रोहित शर्मा ने किया सेमीफाइनल के लिए टीम का ऐलान। T20 वर्ल्ड कप अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा है। दोनों ग्रुप में न्यूजीलैंड और भारत ने टॉप करके सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के शेयरों का ऐलान हो चुका है। क्या खबर की पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे इस पूरे वीडियो में। भारतीय टीम के पिछले मुकाबलों की बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर सभी मैच जीते हैं। भारतीय टीम के लोकेश राहुल शुरुआती मैचों में फ्लॉप रहे थे, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ 8 शतक लगाकर उन्होंने शानदार वापसी की है। वहीं कप्तान रोहित शर्मा ने टीम में बदलाव के संकेत दे दिए हैं, जिसमें उन्होंने विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक के स्थान पर विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि दिनेश कार्तिक को जिस उम्मीद के साथ टीम में शामिल किया गया था वह उस पर खड़े नहीं उतरे। इसके अलावा गेंदबाजी में भी बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारतीय तेज गेंदबाज सभी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन स्पिन गेंदबाज उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। भारत के स्पिन गेंदबाज अश्विन के स्थान पर चहल को शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा हर्षद पटेल को भी टीम में मौका दिया जा सकता है, क्योंकि भारतीय टीम वर्ल्ड कप की प्रबल दावेदार है और रोहित शर्मा सेमीफाइनल में कोई भी गलती नहीं करना चाहेंगे। अगर आप भारतीय टीम को दिल से सपोर्ट करते हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।